लड़के की बचपन की फ्रेंड थी, वो लव करके शादी कर ली। शादी से पहले बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, दो साइड से कोई राजी नहीं था। वो लड़की के घर वाले भी उसको मारते थे, पीटते थे। ऐसे करते करते फिर फाइनली राजी हो गए दो साइड से। वो शादी ऐसे सिंपल तरीके से मंदिर में शादी हो गया। होने के बाद वो ससुराल गई, वो एक साल के अंदर वो एक बेटा की माँ बन गई थी। उसके बाद वो लड़का जो था, उसका पति, वो शादी से पहले जो काम करता था, वो ऐसे काम धीरे धीरे करके वो काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद उसको दिक्कत होने लगी पैसे के बारे में, उसको बहुत सारे दिक्कत होने लगी। उसके बाद सारे फैमिली उससे सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद उसको दिक्कत जो खाने को मिल रहा था और उसको मुश्किल बढ़ने लगी। ऐसे करते करते वो उसको थोड़ा गायने का प्रॉब्लम था उस टाइम में। वो डॉक्टर को ठीक से दिखा नहीं पा रही थी, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको पैसे के बहुत दिक्कत हो रही थी, पैसा नहीं था उसके पास। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में खाने के लिए नहीं था। उसका पति को बोला, वो आज खाने के लिए चावल नहीं है, आप थोड़ा बंदोबस्त कर दीजिए। वो बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोल के वो गाँव चला गया, लड़के के साथ जाके ताश खेलने लगा। वो उसका पति को फिर से बुलाया, बोला तुम कुछ करो, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, नहीं तो बड़ी माँ छोटी माँ किधर से भी चावल लेके आ जाओ, घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। वो मना कर दिया। वो मना करने के बाद बोला, हमारे पास हम नहीं जाएंगे, हम तो सेपरेट हो चुके हैं, हम जाएंगे तो हमको शर्म आएगा। वो बोली, वो शर्म आएगा तो किधर से लेके आओ, घर में खाना नहीं। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और झगड़ा हो गया। होने के बाद उसका पति ने एक थापड़ उसको दे दिया, उसका बीवी को। वो तो लव करके शादी किए थे, उससे पहले वो जो शादी का पहला का जो रूप था वो तो देखी थी, वैसे मारपीट वाला वो रिश्ता तो नहीं देखा था, वो ऐसे रूप तो नहीं देखी थी। वो उसको थोड़ा माइंड एबसेंट हो गया। होने के बाद वो क्या किया, घर में जो मेडिसिन थी, मिक्स करके जितना मेडिसिन था वो सब कुछ एक बार में खा लिया मरने के लिए। उसका बच्चा वो पड़ोसन में कोई ले गया था, वो उसको पकड़ने के लिए, वो अकेली थी, ऐसे रो रो के वो मेडिसिन खा लिया। वो तो पहले से बीमार थी, वो खाने की वजह से उसको सडन पैरालिसिस हो गई वन साइड में। वो लेफ्ट साइड से फुल सर से लेकर पाँव तक फुल उसको पैरालिसिस हो गई। होने के बाद वो उल्टियाँ करने लगी और मुँह से उसको खून निकल रहा था। वो सारे घर वाले दौड़ के आगे, क्या हुआ क्या हुआ, वो नीचे गिर गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो फटांग से उनको पति को इतला किया, वो जल्दी आ जाओ, ऐसे कुछ मेडिसिन का वो बॉक्स उधर गिरा था, वो ऐसे खा लिया है, वोमिट कर लिया है, मेडिसिन का वो दाना वो बाहर गिरा हुआ था। उसका पति आ गया, आने के बाद वो उसको बोला, क्या हुआ क्या हुआ, वो बोल नहीं पा रही थी। वो उसको बच्चा को देखने के लिए वो मतलब वो उसको कोशिश कर रही थी, वो इशारा कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो क्या क्या खुद को इस साइड में से मार रही थी, मतलब बात क्यों नहीं हो रहा, बात क्यों नहीं कर पा रही मैं। इसलिए वो उसका पति ने बोला, बच्चा को देखना चाहते हैं। वो बोला हाँ, ऐसे इशारा किया। इशारा करने के बाद उसको बच्चा को लेके आया, उसको सीने में लगा कर रख दिया। वो उसके बच्चा को एक हाथ से पकड़ के बहुत रोया, ऐसे रोते रोते वो दम तोड़ दे, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो हॉस्पिटल तक वो जिंदा नहीं बची। ऐसे बातें करते करते उसको हॉस्पिटल लेके गए। वो सोचे वो शायद जिंदा है और जिंदा बच्चे थी, गाड़ी के बंदोबस्त किया करने से पहले वो मर चुकी थी। वो हॉस्पिटल जाके दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर बोले वो नहीं है, मर चुकी है। वो एक बार उसके बच्चे के बारे में वो नहीं सोचा, वही सोचा कितना प्यार करते थे मेरे पति, अब शादी के बाद ऐसे बदल गए, मेरे हाथ मेरे ऊपर आज हाथ उठा ले, यही सोच के वो सुसाइड कर ली। वो शायद डरा रही थी या फुल मेंटल डिप्रेस में थी, वो मरने के लिए प्रिपेयर थी, क्या मालूम नहीं। उसके बाद ऐसे वो मर गई। वो बच्चा भी रो रहा था, मेरी मम्मी मम्मी बोल के रो रही था। वो रोने के बाद वो बोले, तुम्हारे इधर आग देना है। वो बोले, मम्मी 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 ऐसे बोल के रो रहा था। वो आग दे के आया, उसको छोटा बच्चा था, लेकिन वो ऐसे ही रोते रोते वो घर आ गया। उसके बाद उसके मामा के घर से उसको पाल पोस के उसको बड़ा किया। एक साल के अंदर उसका पति ने दूसरी शादी कर ली। अभी उसका बच्चा है, बीवी है, सब कुछ है। जब हम सोचते हैं ना, वो सब कुछ हमारा है, हम सब कुछ उनके हैं, वो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कोई किसी का नहीं होता है, एक बार सोचना है। जब आए थे अकेले ही आए थे, अब जाना है अकेले ही जाए। दुनिया में कितना भी प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो, लेकिन यही सच्चे, जाने के टाइम में अकेले ही जाना पड़ता है, आने के टाइम में भी अकेले ही आना पड़ता है। चाहे बच्चे जुड़वा पैदा हो, साथ में पैदा हो, लेकिन जाना तो अकेले ही पड़ेगा।
वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, हम मर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मेरे पति को मतलब बहुत ज़्यादा ये होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर ही शादी कर ली। वो हम किसी को, हम दूसरे बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। हम क्यों सोचेंगे दूसरे बारे में? हम दूसरे के बारे में क्यों रोएंगे? क्यों सोचेंगे? हम दूसरे को सोच के हम क्यों रो रो के अपना ज़िंदगी खराब करेंगे? क्यों दूसरे के लिए हम मरेंगे? एक बार हम खुद के लिए जीना सीख जाएंगे ना, तो दूसरों के लिए हमको मरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार खुद के लिए जी के देखो, देखना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी।